हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एवरीटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, जिसमें हम लोगों ने उसका कंसेप्ट भी डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने फाइव कंसेप्ट को पढ़ा था। नंबर वन इज़ प्रोडक्शन कंसेप्ट, नंबर टू प्रोडक्ट कंसेप्ट, नंबर थ्री सेलिंग कंसेप्ट, नंबर फोर मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द लास्ट इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, ये पांच कंसेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने स्टार्ट किया था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोगों ने फोर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, शॉर्ट में ही डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम लोग उसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फोर एलिमेंट्स क्या हैं? प्लेस, प्रमोशन, प्राइस एंड प्रोडक्ट। तो इस वीडियो से हम जो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट क्या रेफर करता है और हम किसे प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टैंजेबल एंड इनटैंजेबल फीचर। प्रोडक्ट जो है वो दो चीज़ों का मिश्रण है या दो चीज़ों से मिलकर के बना है। एक वो जिसे हम देख सकते हैं और दूसरा वो जिसे हम नहीं देख सकते। नंबर वन इज़ टैंजेबल एंड इनटैंजेबल फीचर्स, यानी वैसे विशेषताएँ जिसे हम देख सकते हैं और वैसी विशेषताएं जिसे हम नहीं देख सकते, दोनों का मिक्सचर कहलाता है हमारा प्रोडक्ट। विच कैन बी एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू, ओके, जिसको हम कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करके, या उसका जितना लागत लगा बनाने में, जितना हमारा खर्च लगा, मैन्युफैक्चर का जितना लागत लगता है, वो सारा का सारा कहाँ से रिकवर करता है? तो एट द एंड जो उसे कंज्यूम करेगा, डैट इज कस्टमर। तो एक्सचेंज फॉर अ वैल्यू इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। सोसाइटी में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो नंबर ऑफ जब कस्टमर अवेलेबल हैं तो उनके नीड्स भी बहुत सारे होंगे, उनके द्वारा डिमांड भी किया जाएगा, उनके वॉन्ट्स भी होंगे। अब उन सारी चीज़ों को कौन सेटिस्फाई करेगा? वो व्यक्ति जो किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, जिसे हम मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने मार्केट को रीड करेगा। वो जो उसका एक मार्केट है, उस मार्केट में जितने भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, ओके, उनके नीड्स के बारे में वो आइडेंटिफाई करेगा कि उनका नीड्स क्या है या उस मार्केट के नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ओके। उसके बाद वो ये देखेगा कि हम कैसे अपने कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जितना वो वैल्यू पे करेगा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उसे उसे सेटिस्फैक्शन हो। एक वो कि जो उसका नीड है वो पूरा हो जाए, दूसरा ये कि जितना वो वैल्यू पे कर रहा है उस प्रोडक्ट के बदले में, उसके लिए भी वो संतुष्ट हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ ज़्यादा पे कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट का फीचर है या जो उसकी क्वालिटी है वो कम है। तो प्रोडक्ट वो चीज़ है जिसे एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है और वो कस्टमर के नीड्स की पूर्ति करता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, ओके। तो मार्केटिंग एक्टिविटी का अगर सोल की बात करें तो वो क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा प्रोडक्ट? क्योंकि अगर एक मैन्युफैक्चरर कोई बिजनेस करना चाहता है या वो कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो वो किस चीज़ को करेगा? या तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा या वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ तभी संभव होगा जब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट होगा, जब मैन्युफैक्चरर के पास वो प्रोडक्ट होगा जिसके बदले में वो प्रॉफिट कमाएगा, जिसको वो कस्टमर के नीड्स को पूरा करने के लिए प्रोड्यूस करेगा, ओके। तो इसको सोल इसीलिए बोला गया है कि अगर प्रोडक्ट रहेगा नहीं तो हम मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म कैसे करेंगे? हमने बहुत कुछ सोच रखा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब एग्जैक्टली हम जिस पर्पस को पूरा करने वाले हैं और वो पर्पस का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास नहीं होगा, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे? सो द आंसर इज़ नो। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और केवल वो सोच रहा है, तो सोचने से तो होगा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? उसके पास उसके लिए बुक्स चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, सिलेबस चाहिए होगा, तब जा करके वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएगा।
तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास साधन होगा। उसी प्रकार अगर हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट नहीं हो तो हम एडवर्टाइज़ किसको करेंगे, अपने कस्टमर को हम कौन सी चीज़ें दिखाएंगे जिससे हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर टू इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है या दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर वन इज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड नंबर टू इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ओके, पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या है और वो क्या कंटेंट करता है। इट रेफर्स टू दोज प्रोडक्ट विच आर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। ओके, जिसको किस लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एक मैन्युफैक्चरर किसी प्रोडक्ट को बना रहा है तो वो प्रोडक्ट दो तरीके का हो सकता है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट होगा और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होगा। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, जिसे हमारा कस्टमर, जिसे कोई भी कस्टमर अपने घर के लिए यूज़ करता है। ओके, जिससे वे अपने घर की एक्टिविटी परफॉर्म करता है या अपने कंफर्ट जोन में वो आता है या वो चाहता है कि मेरा जितना काम है वो इजीली हो जाए, मुझे उससे बेनिफिट्स हो। ओके, तो वो खुद के लिए यूज़ कर रहा है या खुद के घर में यूज़ कर रहा है। दिस प्रोडक्ट आर थ्री टाइप्स, ये जो प्रोडक्ट है वो तीन तरीके के होंगे। नंबर वन इज़ कन्वीनियंट प्रोडक्ट, नंबर टू इज़ शॉपिंग प्रोडक्ट एंड नंबर थ्री इज़ स्पेशलिटी प्रोडक्ट। पहले हम बात करेंगे कन्वीनियंट प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे हम कन्वीनियंट प्रोडक्ट लाइक पेंसिल, पेपर, फूड ग्रेन, मेडिसिन एट्सेट्रा। तो ये सारा जो कैटेगरी है या ये सारा जो प्रोडक्ट है वो किस में काउंट होगा, कन्वीनियंट प्रोडक्ट में काउंट होगा। नंबर टू इज़ शॉपिंग प्रोडक्ट लाइक वूलन क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज़ एट्सेट्रा, ये सारा हमारा शॉपिंग प्रोडक्ट में काउंट होगा। एंड द लास्ट वी हैव इज स्पेशलिटी प्रोडक्ट, इसमें हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, तो टेलीविज़न को, रेफ्रिजरेटर को, ओके, कार, लैपटॉप, ये हमारा क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में काउंट होगा। नाउ वी हैव पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, इट रेफर टू दोज गुड्स, ये उन सारे गुड्स को रेफर करता है विच आर प्रोड्यूस बाई फैक्ट्रीज, जो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, किसी ना किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है एंड यूज फॉर मैन्युफैक्चर। और किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए। पहले हम लोगों ने देखा कि कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्री में। पर्पज़ क्या है कि उसको प्रोड्यूस करने के बाद हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे या किसी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। वेरियस प्रोडक्ट लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये इस तरीके का जो प्रोडक्ट होता है जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं और इसी के माध्यम से हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास मशीनरी होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कोई नया प्रोडक्ट बना करके कंज्यूमर प्रोडक्ट को बना पाए या कंज्यूमर के नीड्स को पूरा कर पाए। ओके, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में काउंट होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरी में। नंबर वन इज़ फैब्रिकेटिंग प्रोडक्ट लाइक टीन्स, मेटल ट्यूब्स और रोड्स। इक्विपमेंट प्रोडक्ट लाइक मशीन्स, टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री को रन करने में हेल्प करता है। ओके, टूल्स, मशीनरी, इसके माध्यम से हम अपने फैक्ट्री के पर्पज़ को पूरा करते हैं या उसकी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पॉइंट नंबर सी इज़ रॉ प्रोडक्ट लाइक वीट, ऑयल, गोल्ड, आयरन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट विच आर यूज फॉर रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। रॉ, तो रॉ जो है वो क्या है, वो कच्चा माल है। तो रॉ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं या उस प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के माध्यम से हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं रॉ मटेरियल को।
तो वो किसके अंदर चेंज होगा या किसके अंदर वो काउंट होगा, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर काउंट होगा। अगर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है तो हम पहले कैसे बनाएंगे, जब तक उसका रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, कच्चा माल अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑयल, गोल्ड, आयरन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और चेंज किस में करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में। तब जा करके हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है वो कभी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल या कच्चे माल में ला करके सप्लाई नहीं करेगा, वो उस रॉ मटेरियल से क्या करेगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को वो मार्केट में सप्लाई करेगा और उसी के द्वारा कस्टमर उसे परचेज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है और ब्रांड क्या है? द प्रोसेस यूज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना या बनाना वो कहलाता है हमारा ब्रांडिंग। मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ओके? अगर हम ये मार्कर की बात करें तो मार्कर में बहुत सारी कंपनीज के द्वारा बना, मार्केट में बहुत सारा है मार्कर जो बहुत सारी कंपनीज के द्वारा बनाया गया है। अब अगर हमें पहचानना है कि पर्टिकुलर कंपनी, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड एक कंपनी है जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में, जो मार्कर बनाती है, ओके? अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसके नाम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट, एक अलग आइडेंटिटी देना किसी भी प्रोडक्ट को, वो ब्रांडिंग कहलाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ नेम। अब एक प्रोसेस इसके अंदर है जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे या जान पाएंगे कि प्रोडक्ट को डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हम कैसे दे सकते हैं। तो हम दे सकते हैं नाम के द्वारा, टर्म के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा और डिज़ाइन के द्वारा। ये जितनी सारी चीज़ें हम अगर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं या ब्रांडिंग के माध्यम से या ब्रांड के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जो देता है वो अपने प्रोडक्ट को सबसे अलग बनाने की प्रयास करता है। फॉर एग्जांपल मार्केट है, अब मार्केट में नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो अब प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर हमें एक अपना अलग पहचान बनाना है तो एक अलग काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स में जो बेस्ट स्टूडेंट है वो अपने आप को कैसे साबित करेगा कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ अमंग 50 स्टूडेंट्स, तो वो क्या करेगा, जब भी टेस्ट होगा उस टेस्ट में वो बेस्ट स्कोर करने का प्रयास करेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेगा। और जब वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे देगा और जब उसका कॉपी करेक्शन किया जाएगा और कॉपी करेक्शन के बाद जो उसका मार्क्स होगा, अगर वो सारे बच्चों से ज़्यादा उसने मार्क्स लाया तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो बच्चा है वो बच्चा बहुत तेज़ है, वो मेहनत करता है, वो पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, वो 49 स्टूडेंट्स जितने हैं उनसे अलग है वो, ओके? तो 50 स्टूडेंट्स में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट कौन है, तो हम टेस्ट लेकर के, एग्ज़ाम लेकर के ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बच्चे को जो बच्चा क्लास में बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो एग्ज़ाम के द्वारा। उसी प्रकार अगर हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को हम एक अलग आइडेंटिटी कैसे दे सकते हैं, तो उसके नाम के द्वारा दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है जो मार्कर बना रही है, तो एक्स वाई जेड कंपनी को कैसे पता चला, क्योंकि इसने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया है और इसने अपने प्रोडक्ट का जो नाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास किया है, बाय द क्वालिटी ऑफ़ द प्रोडक्ट के द्वारा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, या जब भी डिमांड किया गया उस डिमांड को एट अ टाइम उसकी पूर्ति की गई, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम अपना नेम फेम कर सकते हैं। टर्म या सिंबल को एक ऐसा सिंबल दे सकते हैं जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर ले, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ने अपना नाम दे दिया, या उसने अगर अपना नाम नहीं दिया तो ये टिक कर दिया, जिससे ये पता चल रहा है कि ये कंपनी जो एक अलग ब्रांड है, ओके? डिज़ाइन इंडिविजुअली और इन सम कॉम्बिनेशन टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट। या तो इंडिविजुअली हम किसी चीज़ को नाम दे सकते हैं, या प्रोडक्ट को नाम दे सकते हैं, या उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, या एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस
चीज़ों के साथ हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रांडिंग था। नौ, हम बात करेंगे अब ब्रांड के बारे में। अब ब्रांड क्या है? अ नेम, टर्म, साइन, डिज़ाइन, सम कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द सेलर एंड द डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं। अब बहुत सारे सेलर्स एज वेल एज बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी अवेलेबल हैं, या वो अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं। जब एक मार्केट में बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं या मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं, तो हम प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट का फीचर्स अच्छा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा ब्रांड से। ओके, अब ब्रांड क्या कंटेन करता है? तो नाम कंटेन करता है। तो जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ज़्यादा डिमांड होगा, तो उसको डिमांड हम कैसे क्रिएट करेंगे? नाम के द्वारा करेंगे। अगर मुझे एक्स वाई जेड मार्कर चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि मुझे एक्स वाई जेड कंपनी का ही मार्कर चाहिए। तो ये नाम के द्वारा हम डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। साइन, डिज़ाइन और सम अदर कॉम्बिनेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, और उसी आइडेंटिटी को कौन यूज़ करता है? हमारे कस्टमर यूज़ करते हैं, और उसी के द्वारा वो क्या करते हैं? डिमांड क्रिएट करते हैं। और वही आइडेंटिटी क्या करता है? कॉम्पिटिटर्स से हमें अलग करता है। मान लेते हैं कि एक मार्केट में ए, बी, सी और डी चार मैन्युफैक्चरर हैं, जो अपने अपने प्रोडक्ट को इसी मार्केट में सप्लाई करते हैं। ओके, चारों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, केवल उनका नाम अलग है। ओके, अब अगर कस्टमर जब भी डिमांड करेगा, तो वो बोलेगा कि मुझे मार्कर चाहिए, लेकिन पता नहीं कि एक कंपनी जो है उसका नाम एक्स वाई जेड है, इसका है पी एस वी नाम है, ओके, इसका नाम है एम एन पी, ओके। तो इन सारी चीज़ों का अगर नाम है, तो अगर कस्टमर बोले कि नहीं मुझे एक्स वाई जेड कंपनी का ही प्रोडक्ट चाहिए, तब हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम अलग हो पाएंगे, यानी अलग पहचान बना पाएंगे। अगर सारे लोगों के द्वारा केवल एक ही चीज़ यूज़ किया जाएगा मार्कर, और वहाँ पे वो अपनी अपनी कंपनी का नाम यूज़ नहीं करेंगे, क्या हम ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे? सो द आंसर इज़ नो। कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ईज़िली? तो ब्रांड जो है वो सेल करने में भी हेल्प करता है, हमारे प्रोडक्ट को एक अलग आइडेंटिटी देता है, एक अलग पहचान देता है। केवल वो पहचान ही नहीं देता है, वो हमारे कॉम्पिटिटर से हमें अलग करता है। वो कॉम्पिटिटर्स जो हमें हमारे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं हार्म करने का प्रयास करते हैं, या हमें हमारा जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो उसमें, या प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो उसमें शेयर ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं 100 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे, अब कॉम्पिटिटर आ गए तो हम 80 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो 20 रुपया क्या हो गया? वो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा शेयर हो गया। तो एक अलग आइडेंटिटी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपना पूरा का पूरा 100 रुपये अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का एडवांटेज क्या है? पहले हम बात करेंगे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, देन हम बात करेंगे मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम बात करते हैं कि एडवांटेज टू कस्टमर। कस्टमर को क्या फ़ायदा होता है अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं या नाम देते हैं? नंबर वन इज़ हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये बोलता है कि कस्टमर को हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। अगर मार्केट में कस्टमर जाएगा, तो उसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, नंबर ऑफ़ कंपनी के द्वारा वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब कस्टमर बेचारा जा रहा है, तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, या किस प्रोडक्ट को वो लंबे समय से यूज़ करता चला आ रहा है? अगर किसी का नाम मेंशन नहीं है,
तो ब्रांडिंग के द्वारा या ब्रांड के द्वारा कस्टमर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है किसी भी प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को जिससे उसे लंबे समय से फ़ायदा होता चला आ रहा है या जिस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद वो सेटिस्फाई हो रहा है। इफ़ कस्टमर इज सेटिस्फाई विद अ ब्रांड ही विल नॉट मेक अ क्लोज इंस्पेक्शन ऑफ एवरी टाइम। अगर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या एक ब्रांड को यूज़ कर रहा है, उसने अगर फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो जब वो फर्स्ट टाइम यूज़ करेगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को देखेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसका फीचर्स देखेगा, प्राइस देखेगा, क्वालिटी देखेगा, उससे उसे क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान होने वाला है, ये प्रोडक्ट उसके लिए कितना यूज़फुल रहेगा। तो फर्स्ट टाइम तो वो सारी चीज़ों को देखेगा, लेकिन आफ्टर डैट जब उसे लगेगा कि इस प्रोडक्ट ने उसे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, तो नेक्स्ट टाइम उसके बाद फिर वो बार बार उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसने इंस्पेक्शन किया था या चीज़ों को देखा था तो उसे पूरा का पूरा सेटिस्फैक्शन मिला। अब वो हर बार सेम प्रोसेस तो नहीं करेगा, वो मार्केट में जाएगा और उस पर्टिकुलर चीज़ का डिमांड करेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ये बोलता है कि अगर हम ब्रांडिंग करते हैं तो ब्रांडिंग जो कस्टमर को हेल्प करता है 100 प्रोडक्ट्स में, फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट में वो इजीली एक ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकता है, ओके, और उस ब्रांड के माध्यम से वो सेटिस्फैक्शन भी हासिल करेगा और उस ब्रांड को भी फायदा होगा। नेक्स्ट वी हैव इज इंश्योर्स क्वालिटी, इंश्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो उस वो इंश्योर होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये किसी कंपनी के द्वारा बनाया गया या ब्रांडेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है जो हमारे लिए यूज़फुल है, इसमें हमें फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि हमें जितना पैसा हमने पे किया है एटलीस्ट या कम से कम उतना हमें सेटिस्फैक्शन हासिल होगा। ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें इसने मेंशन की है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगा, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होते हैं अगर वो प्राइस ज़्यादा लेते हैं या उनका प्राइस ज़्यादा होता है तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है क्योंकि वो क्वालिटी का पैसा लेते हैं। आप अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में जा कर के लोगे तो फुटपाथ पर लोगे तो वो आपको हो सकता है कि 100 रुपये में एक टी शर्ट मिल जाए। सेम कलर का सेम डिज़ाइन का प्रोडक्ट आपको हो सकता है कि ब्रांडेड कंपनी में 1000 रुपये का मिले, ओके, फॉर एग्जांपल। तो अंतर कितने का हो गया? 900 का अंतर हुआ। तो ये 100 रुपये में अवेलेबल है, ये 1000 रुपये में अवेलेबल है। कारण क्या है? क्वालिटी कारण है। अगर आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको क्या इंश्योर हो रहा है? आपको क्वालिटी इंश्योर हो रहा है। आप अगर 1000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको लंबे समय तक उस प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन हासिल होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो लंबे टाइम तक। लेकिन जिस प्रोडक्ट के लिए आप कम पैसा पे कर रहे हो और पैसा पे करने के बाद भी क्वालिटी के रिगार्डिंग आप इंश्योर नहीं हो या वो जो सेलर है वो आपको अश्योर नहीं कर रहा है कि भैया आप ले लो आपको लंबे समय तक ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि जितना आप पैसा खर्च करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी मिलेगा। तो जितना हम अगर अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमें उसमें क्वालिटी मिलता है। जो जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है अगर वो ज़्यादा चार्ज करती हैं तो वो एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाती हैं जिससे उस कस्टमर को फ़ायदा होता है और उसका लाभ वो लंबे समय तक ले सकता है। पॉइंट नंबर 3 इज़ स्टेटस सिंबल। ब्रांड बिकम स्टेटस सिंबल ड्यू टू देयर क्वालिटी। अब हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करूं। एक स्टूडेंट की बात करें तो हर स्टूडेंट चाहता है कि क्लास में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, एनुअल एग्ज़ाम में मैं टॉप करूं, पेरेंट्स की नज़र में अच्छा बनूं, नेबर्स मुझे बोले कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा बच्चा है। तो ये कैसे होगा? उसका मेहनत से होगा। अगर वो मेहनत करेगा पढ़ाई में, अच्छा मार्क्स स्कोर करेगा, तभी वो एक अच्छा रेपुटेशन बिल्डअप कर पाएगा। उसी प्रकार अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट
लेबल है, एक वो प्रोडक्ट जिसे हम ब्रांडेड प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरा वो प्रोडक्ट जो ब्रांडेड की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर एक कस्टमर है और वो जाकर के बोलता है कि मुझे ब्रांडेड प्रोडक्ट ही परचेस करना है, तो वो ब्रांड क्या करता है, उसके स्टेटस को और इनक्रीज करता है, ओके, उसके रेपुटेशन को और इंक्रीज़ करता है। अगर वो किसी से इंट्रैक्ट करने जाता है तो बताता है कि मैंने ये प्रोडक्ट का या ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट परचेस किया है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ ये एक अच्छी क्वालिटी को पे ध्यान देता है, या उस वो अपने स्टेटस के हिसाब से ही वो ब्रांड को चूज़ करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं लोअर कैटेगरी या इन्फीरियर प्रोडक्ट को यूज़ करूँ और हमारा जो गुडविल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा एक स्टेटस जो है मैं उसको मेंटेन करूं और उसको और इंक्रीज करूं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट जो होता है वो स्टेटस सिंबल को और इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, क्योंकि बेटर क्वालिटी वो प्रोड्यूस करता है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेज टू द मार्केटर। मार्केटर को क्या एडवांटेज होता है ब्रांड से या ब्रांडिंग से? नंबर वन इज एनेबल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। Distinguish the firm product from that is competitors. Market में number of competitors available है, number of companies available हैं जो same product बना रही हैं। अब एक company है जिसका नाम XYZ है, अब वो चाहता है कि मुझे अच्छा market में goodwill कमाना है। अगर वो अपनी company का नाम नहीं रखेगा या कोई brand या sign नहीं रखेगा, क्या वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएगा, अलग कर पाएगा दूसरे कॉम्पिटिटर से? तो नहीं कर पाएगा। तो अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, एक सिंबल देना पड़ेगा, जिससे ये पता चल पाए कि ये कंपनी अलग है, दूसरी कंपनी अलग है, ये इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो पाएंगे, वो जान पाएंगे, और वो उस कंपनी को भी फ़ायदा होगा। क्योंकि कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंगेज करता है, केवल ये नहीं कि उसने आज सोचा और कल उसका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो गया। उसके लिए उसे प्लानिंग करना होगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होगा, रॉ मटेरियल परचेस करना होगा, मशीनरी इनबिल्ट करना होगा, स्टाफ्स को हायर करना पड़ेगा। अगर कहीं पर उसका बिल्डिंग नहीं है तो रेंट पर वो बिल्डिंग लेगा। तो इतनी सारी चीज़ों को करने के बाद वो किसी प्रोडक्ट को बनाता है, और बनाने के बाद अगर उसे कोई फ़ायदा नहीं हो या लाभ नहीं हो या मार्केट में उसको एक अलग आइडेंटिटी नहीं मिले, तो उसका जितना मेहनत है वो सारा का सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो ब्रांड जो है एक अलग आइडेंटिटी देता है, और साथ में उस मैन्युफैक्चरर को जो मेहनत कर रहा है उसको रिवॉर्ड देता है प्रॉफिट के तौर पर, है ना। प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है उस व्यक्ति के लिए जिसने रिस्क लिया, जिसने वो प्रोडक्ट बनाया जो कस्टमर के द्वारा डिमांड किया गया, एंड दस सिक्योर एंड कंट्रोल इट्स मार्केट। तो वो क्या कर सकता है, एक अलग पहचान बना सकता है, सिक्योर होगा कि हाँ कितने भी कॉम्पिटिटर्स आएंगे या जाएंगे, लेकिन एक हमारा मार्केट में नाम है, हम उसके मदद से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो कंट्रोल कर सकता है मार्केट को। अब मार्केटर जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकता है मार्केट को, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं अगर उनसे अच्छा हमारा प्रोडक्ट होगा तो हम मार्केट में एक अलग आइडेंटिटी बना रहे हैं, और उस कस्टमर को हम अपने तक रख सकते हैं। जिस कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा, अगर उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई होगा तो वो लंबे समय तक हमारा ही प्रोडक्ट परचेस करता रहेगा। तो मार्केट में कहीं ना कहीं हम एक कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं या उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम। ब्रांडिंग जो है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने में और डिस्प्ले करने में। विदाउट अ ब्रांड द एडवर्टाइजर कैन ओनली क्रिएट एन अवेयरनेस। अगर हम अपने प्रोडक्ट को एक अलग आइडेंटिटी नहीं देते हैं या नाम नहीं देते हैं, तो एडवर्टाइज़र जो है, जो व्यक्ति एडवर्टाइज़ करता है किसी भी प्रोडक्ट को, वो केवल कस्टमर को क्या कर रहा है, अवेयर कर रहा है। वो बता रहा है कि देखो ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है, आप आकर के इसे परचेस कर सकते हो, आपको इस प्रोडक्ट से इतना फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई नाम जुड़ा हुआ नहीं होगा या कोई साइन नहीं होगा या कोई सिंबल नहीं होगा,
तो कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट बनाया गया है। तो ब्रांडिंग जो है वो मार्केटिंग करने, वो एडवर्टाइजिंग करने में भी हेल्प करता है अबाउट द जेनरिक प्रोडक्ट एंड नॉट श्योर अबाउट द सेल ऑफ हिज ब्रांड। अगर नाम नहीं रहेगा तो जितना भी हम एडवर्टाइज कर ले तो कस्टमर को तो हम अवेयर कर रहे हैं, मार्केट में हम अवेयर कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों को परचेस करना है, लेकिन हम ये श्योर नहीं हो पाएंगे कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को आकर के परचेस करेंगे, वो हमारा ही ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर नाम नहीं दिया। अगर हम नाम दे देते हैं तो हम श्योर हो जाएंगे कि हमने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के रिगार्डिंग अवेयर किया है। अब वो जब भी मार्केट में आएंगे तो वो हमारे ब्रांड के नाम को के द्वारा परचेस कर सकते हैं। तो सेल में हम अश्योरेंस दे पाएंगे उस टाइम जब हम अपने ब्रांड, जब अपने प्रोडक्ट को ब्रांड देंगे या अपने प्रोडक्ट को नाम देंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 3, डिफरेंशियल प्राइसिंग। इट अलाउज अ कंपनी टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। अलग अलग कंपनी है तो लागत भी अलग अलग ही आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि अगर बहुत सारी कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है तो उसका जो प्राइस होगा वो सेम होगा, वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हर कंपनी का जो रॉ मटेरियल होता है वो अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है वो अलग होता है, टेक्नोलॉजी वो अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, लेबर वो अलग चार्जेस पे कर रहे हैं, जिस जगह उनका फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग हाउस है वो भी अलग अलग है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्राइस निकल के आएगा वो भी अलग होगा। हो सकता है किसी कंपनी ने क्वालिटी को थोड़ा लो कर दिया, किसी कंपनी ने क्वालिटी को इनक्रीज़ कर दिया। अब जब क्वालिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा तो प्राइस भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। तो डिफरेंट कंपनी के द्वारा डिफरेंट प्राइस रखा जाता है ऑफ फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, ये ज़रूरी नहीं कि सेम प्राइस हो हर कंपनी के द्वारा। पॉइंट नंबर 4 इज इन इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। मिनिमाइज सेलिंग कॉस्ट एंड एंजॉय द रिफ्लेक्टिंग ग्लोरी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, अगर एक कंपनी लंबे समय से मार्केट में एक प्रोडक्ट को सेल आउट कर रही है, उसका एक अलग आइडेंटिटी है, नाम है, साइन है, सिंबल है, ब्रांड है, तो वो अपना जब भी नया प्रोडक्ट बनाएगी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो मार्केट में ईजिली प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकती है, क्योंकि एक अलग उसका गुडविल बना हुआ है, रेपुटेशन बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक पुराना प्रोडक्ट बना रही है तो वो नए प्रोडक्ट का कोई और नाम रखे, वो सेम नाम रख सकती है और उसी नाम के द्वारा वो मार्केट में एक अपना और गुडविल इंक्रीज़ कर सकती है और उसी गुडविल के द्वारा वो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। ओके,